निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज हमारे साथ राजेंद्र सर मौजूद हैं। राजेंद्र सर से जानेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। राजेंद्र सर, आपका स्वागत है हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे हम एस्टेट के बारे में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जैसे में एस्टेट का आंसर की के बारे में बड़ा उथल पुथल हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि जो अभी आंसर की मिल रहा है वो कहां तक सही है, क्या कुछ है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी जो आंसर की जो जारी किया गया है, अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है, बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। और ये जो भी हम लोग को अभी जो अभ्यर्थी हैं, जो परेशान हैं, चूंकि उनका परेशान होना वाजिब भी है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ही अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है। तो जो भी अभी आंसर की आपको मिल रहा है वो अधिकृत रूप से जारी नहीं किया गया है, राजेंद्र सर का कहना है। इसके साथ ही हम कुछ और भी बातें आपको बताना चाहते हैं, और ये निचोड़ के रूप में मेरे पास लगभग 4 से 5 ऑप्शन हैं जो ये साबित करते हैं कि ये ऑफिशियल तरीके से जारी नहीं हुआ था। पहला, जब आप इसे डाउनलोड कर रहे थे, जब भी आपने डाउनलोड किया था तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी प्रोसेस था, इस पे क्लिक करके उस पे क्लिक करके, वैसे उस प्रोसेस के थ्रू आप डाउनलोड नहीं किए होंगे। आपके पास ओल्ड वाला जो लिंक था वहीं से आप जाके क्लिक करके डाउनलोड होंगे किए होंगे, जिसके कारण ये साबित होता है कि आपका ये अधिकृत रूप से नहीं था। दूसरा, न्यूज़पेपर में किसी तरह का आपको विज्ञप्ति बिहार बोर्ड की तरफ से देखने को नहीं मिला होगा, इसलिए हमें लगता है कि अधिकृत रूप से ये जारी नहीं हुआ, नहीं तो न्यूज़पेपर में निश्चित ही विज्ञप्ति आता है, विज्ञप्ति पे हम लोग का वीडियो भी बनता है, तो ये इस तरह का विज्ञप्ति हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो दो रीजन हुआ। इसके अतिरिक्त देखिएगा, ऑब्जेक्शन के लिए सारे लोग परेशान है कि ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, 5 तारीख तो लास्ट डेट, ये सारी चीज चल रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए परेशान आप मत होइए, ऑब्जेक्शन अभी नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको डेट मिलेगा और अच्छे तरीके से डेट मिलेगा, और वहां पे ऑब्जेक्शन निश्चित ही होगा, और इसलिए आप परेशान नहीं हो। कोई एक कारण ये भी बनता है कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। चौथा इसका कारण है कि वेबसाइट आपका खुल भी नहीं रहा, जो भी आप डाउनलोड कर रहे थे, जो भी चीज कर रहे थे, वो अभी आप नहीं कर सकते हैं, लगभग 2-3 दिन से ये परेशानी है। तो इसलिए आप परेशान मत हुई, जो भी था वो अधिकृत रूप से नहीं था। तो ये 4 कारण हुए। पांचवा कारण रिस्पॉन्स सीट को लेके है। रिस्पॉन्स सीट आपका देखिएगा, आपको नहीं मिला है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, जबकि ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, आपको याद भी नहीं होगा आपने क्या टिक किया। तो रिस्पॉन्स सीट बहुत जरूरी है, आपको इससे पता भी चल जाएगा आपका कितना मार्क्स है, और आपको सहूलियत भी होगी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने में। तो रिस्पॉन्स सीट भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और हम कारण बताना चाहते हैं, छठा आपका कारण है कि जो आपका जो भी आंसर की है उसमें कुछ कमी भी है। कमी क्या है? कुछ जैसे में, एक तो आप लोग कहते हैं कि जो आंसर की दिया गया है वो बहुत गलत वगैरह है, तो उसका ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका। लेकिन उसमें हम एक और चीज बताना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस का है 21 तारीख को में भी है, तो 21 तारीख के कुछ पेजेस नहीं है उसमें। सोशल साइंस का भी 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट का 3 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन ही नहीं है, 3 क्वेश्चन नहीं है उसमें। तो अब पता नहीं कौन से पेज का है, किस शिफ्ट का है, ये हमें याद नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चन नहीं है और 21 तारीख को भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहां पेज नहीं है। और जो भी डाउनलोड किया गया तो उसमें भी हमने चेक किया, 3 पेज नहीं है। तो ये सारे कारण आपको बताते हैं जो कि जो भी चीज जारी हुआ, जो भी आपने डाउनलोड किया वो अधिकृत रूप से नहीं है। तो राजेंद्र सर, अभी तक आपसे भी यही निर्णय मिला है कि अभी तक जो भी आपने जिस तरीके से भी विश्वस्त सूत्रों से आपने पता किया है, अधिकृत रूप से नहीं हुआ है जारी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कब ये अधिकृत रूप से जारी होगा, कब तक जारी हो सकता है? बिल्कुल सर, सबसे पहले ये बता दूं मैं कि बोर्ड ऑफिस के, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चूंकि अभी किसी कारणवश ऑफिस में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे उनसे अनुमति लेकर के तब जाकर के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पर ये आंसर की जारी किया जाएगा, ऐसी संभावना है जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो उस पर जो है डाउनलोड करती वेबसाइट पर आंसर की जारी किया जा सकता है। अच्छा, जो भी साइट है वहां पे जारी होगा, तो ये लगभग कब तक हो सकता है, मतलब नेक्स्ट वीक कब तक?
नेक्स्ट वीक में संभावना है, नेक्स्ट वीक में संभावना है क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे, उनसे अनुमति लेकर के उनसे बातचीत करके, हाँ उनसे बातचीत करके अब तब जारी करेंगे, जारी हो सकता है, अभी नेक्स्ट वीक तक संभावना है। यानी जो भी नेक्स्ट वीक है, कमिंग वीक है, तो इसमें आपका संभावना है कि आपका जारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न सर बन रहा है कि क्या संभावना लगता है कि रिस्पॉन्स शीट भी रहेगा, यानी जो बच्चों ने जो उत्तर दिया है वो उन्हें पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बिना रिस्पॉन्स शीट के आंसर देने से कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन हमें जहां तक जानकारी मिली है जो अभी 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 जो अधिकृत रूप से जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पर आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी जारी हो सकता है, इसकी संभावना है, और बहुत जल्द मतलब ये जो आने वाले जो नेक्स्ट वीक है, जो कमिंग जो आने वाली है, उसमें ऐसी संभावना है कि वो जारी होगा और रिस्पॉन्स शीट भी रहेगा, आंसर की भी रहेगा, ताकि स्टूडेंट जो भी है, विद्यार्थी है, जो आराम से अपने आंसर की को मिलाएंगे और अपने मार्क्स को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए नेक्स्ट वीक में ये संभावना बन पाता है कि आपको रिस्पॉन्स शीट भी मिल जाए, सबसे जरूरी है रिस्पॉन्स शीट आपको मिल जाएगा, वो सारे प्रश्नों के आपके हल हो जाएंगे, और जो भी प्रोसेस होगा डाउनलोड करने का वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप जो परेशान हो रहे थे तो परेशान मत होइए, आप न्यूज़पेपर देखते रहें, वहां पे आपको प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा निश्चित ही बताया जाएगा और हम भी आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। और राजेंद्र सर, जैसे आपने जैसे बताया, जो भी विश्व सूत्रों से आपने बताया कि आपको नेक्स्ट वीक में आपको रिस्पॉन्स शीट के साथ मिल जाएगा, तो एक अच्छी खबर है। और जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो हो चुका है, तो उस पे अब क्या किया जा सकता है वो सारी चीज बात है तो है, लेकिन फिलहाल राजेंद्र साहब आज आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी क्लब के साथ सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमेशा विद्यार्थियों के जो अपडेट देते रहते हैं और एक बहुत बड़ी चीज है और काफी सजग रहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही जो भी यहाँ से न्यूज मिलेगा आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज मिलेगा, और अभी तक जो भी हम लोग न्यूज देते आए हैं या जो भी बताते हैं हिंदी क्लब के जो सर हैं वो भी देते हैं, या हमारे द्वारा जो भी दिया जाता है ऑथेंटिक रहेगा, और भविष्य में भी हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। हाँ देखिए, जैसे धन्यवाद सर, देखिए राजेंद्र सर जी ने जो कहा, हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट दें, अब पूरी गारंटी नहीं रहती है कि जो भी चीजें होती है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको अपना अपने तरफ से हम लोग बेस्ट दें। रही बात आपका आगे चल के जो भी आप लोगों ने पिछले वीडियोस में कहा था कि सर कट ऑफ का बता दीजिए, पेपर टू का कितने स्टूडेंट थे, क्या कुछ थे, तो देखिए कट ऑफ पे थोड़ा सा हमने बोला था तो उसपे थोड़ा बहुत अभ्यर्थियों ने कॉल भी किया था, सर सोशल साइंस का आप इतना बता रहे हैं, मतलब 100 के ऊपर हमने बताया था। तो देखिए ये चीज आपका 90 आए, 50 आए, 40 आए, जो भी आपका मार्क्स आता है उतना पे आपका सिलेक्शन हो जाए, सबसे बेस्ट है। हम चाहते हैं सभी अभ्यर्थी को जॉब मिल जाए, सभी का बेस्ट है, इसीलिए कट ऑफ वगैरह पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद कॉल आने लगता है कि सर कैसे कह रहे हैं। देखिए कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया था इतना मार्क्स है, देखिए सीट भी है, तो आपको अभी हमने टोटल पे दिखाया कि 5000 है सीट, 3000 है सीट, इसमें कैटेगरी वाइज आपका कम होगा, इसके बाद गर्ल्स का भी कम होगा, मान लीजिए कि 5000 सीट है या 3000, सपोज कीजिए हिंदी का 3000 सीट है, अब इसमें 50% या 33% जो भी है वो परसेंट अगर गर्ल्स में भी बटेगा तो 3000 में से अगर 50% घटा दीजिए 1500 सीट पे फाइट होगा सभी जनरल वालों का, तो और सीट कम हो गया और मार्क्स ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सारी चीज अगर तोड़िएगा तो बढ़ेगा ही कम, मतलब मुझे कम संभावना लगता है, फिर भी जो भी है वो सच्चाई आपके सामने होगा और वो जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। कटअप पे अभी हम फिलहाल कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा मन उदास होता है, जाहिर सी बात है आपके कम मार्क्स आ रहे होंगे कि मन उदास हो जाता है, फिलहाल खुश रहिए, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन जो होगा, नॉर्मलाइजेशन पे भी बोलते हैं, हमने एक उदाहरण लिया था 10 अभ्यर्थी का, वो 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, टोटल जो अभ्यर्थी है वो है, हमने 10 एग्जाम्पल के रूप में लिया था, ना कि 10 ही स्टूडेंट चुने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन में सभी को देखा जाता है, क्वेश्चन भी टफ है तो आपका वो देखा जाएगा, वो चीज देखेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं है कि कर देंगे, मान लीजिए 11 तारीख को जिस भी पेपर का एग्जाम हुआ और वहां पे आपका मार्क्स किसी का बढ़ ही नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है सबका बढ़ेगा,
ऐसा थोड़े कि उस शिफ्ट का कोई बच्चा जॉब पाएगा ही नहीं, निश्चित पाएगा, बढ़ेगा ही। तो ये सारी चीज है, आप लोग उदास मत हुई, निराश मत हुई, निश्चित ही जॉब मिलेगा और जो भी होगा पारदर्शिता के साथ बिहार बोर्ड है चाहे जो भी मतलब इस पे कार्य करेंगे वो अच्छे तरीके से ही करेंगे। कुछ कॉल का भी परेशानी है कि कॉल कौन कर रहे हैं, अब इस पे आप थाना में जा सकते हैं, चाहे जहां भी जाना चाहें वहां आप जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। कॉल तो सबको परेशान कर रहा है, मतलब कॉल करके जो कि हम यहां से बोल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये तो कॉल आपका जनरल में भी बैंक से बोल दिया जाता है कि बैंक से हम बोल रहे हैं, इस बैंक से बोल रहे हैं आपका ये एटीएम नंबर बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। कुछ लोग जामतारा का नाम लेते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, तो ये हमेशा चलते रहता है, ये हमेशा होता है, अभी रहेगा। बीटेड 2017 में भी आपने सुना था कि ये हुआ था, लेकिन हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस सब के चंगुल में आप मत फंसिए, इस सबसे दूर रहिए और बस निष्पक्ष होगा जो भी होगा सामने होगा, मेरे ख्याल से तो सारे चीज सही ही होना चाहिए और ऊपर वाले जाने क्या कुछ होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहें, देखते रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।